हे गाइस आई एम शिखा वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम एंड आज मैं फिर से एक बेबी गियर रिव्यू करने वाली हूँ मैं एक कार सीट रिव्यू करने वाली हूँ ये कार सीट मैंने परचेज़ किया था जब आँच थ्री मंथ का था तभी उससे पहले भी परचेज़ कर सकते हैं ये न्यू बॉर्न के लिए भी है तो uh, उससे पहले भी परचेज़ कर सकते हैं बट ड्यू टू लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया था कि आज के बर्थ uh, के बाद तो इसलिए हम परचेज़ नहीं कर पाए एंड देन uh, जैसे ही थोड़ा रिलीफ हुआ लॉकडाउन थोड़ा सा uh, कम हुआ ख़त्म हुआ तभी हमने सबसे पहले जो चीज़ ख़रीदी थी जो बेबी के ख़रीदा था वो था ये कार सीट बिकॉज कार सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट ऑफ व्यू से कार सीट लिया जाता है फ़र्स्ट सेफ्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी uh, uh, बेबी की सेफ्टी के लिए कार सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाड़ी में जब भी आप ड्राइव करते हो तो बेबी को कार सीट में बिठाना uh, जो बच्चे के कार सीट आते हैं uh, उसमें बिठाना ज़्यादा सेफ़ होता है एंड जो पॉइंट होता है बेबी की जो है एक अच्छी आदत डेवलप होती है इससे बिकॉज उसको पता है जब बचपन से ही मतलब बहुत छोटे टाइम से वो कार सीट पर बैठ रहा है एक जगह बैठ रहा है तो उसको पता है कि गाड़ी में ज्यादा मस्ती नहीं करनी है ज्यादा उछल कूद नहीं करना है और एक जगह बैठना है और एक जगह बैठ के ही रहना है ऐसा होता है कि अगर आप मान लो फ्रंट सीट पे बेबी को लेके बैठते हो और बेबी थोड़ा बड़ा होते जाएगा तो वो थोड़ा मस्ती ज़्यादा करना शुरू करेगा और ड्राइविंग सीट के तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे तो इस चीज़ से बचने के लिए भी कार सीट है कि अगर बेबी को आपने पहले से कार सीट पे बिठाया हुआ है तो ये बैक सीट पे होता है जहाँ कि उनको व्यूज़ तो मिल जाते हैं आई मीन विंडो से वो व्यू तो बाहर का देख सकते हैं बट ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता तो वो थोड़ा ईज़ी रहता है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी एक अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप होती है Uh, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को सोचते हुए मैंने कार सीट सबसे पहले परचेज किया था और um, ये कार सीट मैंने लिया है आर फॉर रेबिट का जैक एंड जिल ग्रैंड कन्वर्टेबल कार सीट तो ये कार सीट जो है ये कन्वर्टेबल है आई I मीन mean, जो छोटे बेबी हैं न्यू बॉर्न हैं उनके लिए भी है एंड जो टॉडलर हैं उनके लिए भी है एंड जो किड्स हैं लाइक सेवन इयर्स तक के जो बेबीज़ हैं उनके लिए भी है तो ये ज़ीरो टू सेवन ईयर्स तक के बेबी के लिए है बच्चे के लिए है तो जब वो बेबी जो है जब बहुत छोटा होता है न्यू I न्यूबॉर्न mean होता है तो इसको रेयर व्यू करके लगाया जाता है और स्लीपिंग पोजीशन में लगाया जाता है और ये जो बैक सीट पे जहाँ पे ड्राइविंग सीट के पीछे मेरी गाड़ी में जो जगह दी गई है कार सीट की वो ड्राइविंग सीट के पीछे है तो वहाँ पे जब इसको लगाते हैं तो जब छोटा था क्या बहुत छोटा था तो हम रेयर व्यू करके लगाते थे और जब क्यांश नाइन के केजी से उसका वेट ज्यादा हुआ तो अब हम उसको ये फ्रंट व्यू करके बिठा सकते हैं तो रेयर व्यू से बिठाने का छोटे बेबीज का इसलिए होता है कि स्लीपिंग पोजीशन उनके लिए ज्यादा सेफ है एंड अगर थोड़ी जर्किन वगैरह होती है थोड़ा सा अगर गाड़ी में थोड़ा सा झटका लगता है तो बेबी का नेक जो है बहुत ही डेलिकेट होता है तो वो आगे की तरफ पुश ना करे इसकी वजह से जो है जो है रेयर व्यू करके लगाया जाता है और जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है उनका नेक उनका हेड और थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है तब आप इसको फ्रंट व्यू करके लगा सकते हो फ्रंट व्यू में आपको इसी तरह से जैसे मैंने ये चेयर पे रखा हुआ है बी ए कार सीट इसी तरीके से आपको सीट पे कार की सीट पर रखना है और और उसको सेफ्टी बेल्ट जो होते हैं कार के उसके साथ टाइप करना होता है उसका एक वीडियो आपको जो है जब ये कार सीट आप लोगे तो वहाँ मिल जाएगा जो इंस्टॉलेशन का वीडियो होता है कैसे आप टाइप करोगे सेफ्टी बेल्ट को वो आपको वहाँ मिल जाएगा इसके साथ यूज़र मैनुअल भी आता है जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजिली बताया जाता है और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कैसे बेल्ट को घुमाना है रेयर व्यू में करना है तो कैसे लगाना है और फ्रंट व्यू में आपको बेबी को रखना है तो कैसे लगाना है और इसकी जो दूसरी फीचर है ये जो आ, सीट है ये एडजस्टेबल है जब तक बेबी टू इयर्स तक का है तब तक ये जो कुशन है ये पैडेड कुशन है ये एक्स्ट्रा सीट जो बेबी की सीट है ये लगानी है टू इयर्स के बाद के बेबी के लिए ये सीट हटा के सिर्फ ये वाली सीट रहने देनी है अब बात करते हैं इसके जो फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी बेबी गेयर में देखना होता है वो है उसके सेफ्टी हार्नेस तो इसका सेफ़्टी हार्नेस बहुत ही अच्छा है इसके साथ ये कुशनिंग वाली जो सेफ्टी हार्नेस के साथ लगी हुई है ताकि बेबी को कोई इरीटेशन ना हो नेक के पास आप इसको रख सकते हो आराम से तो ये से फाइव पॉइंट सेफ्टी हारनेस है जो बहुत ही अच्छा है और इसका लॉक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है बेबी इसको आसानी से नहीं खोल सकते हैं लॉक लगाने के लिए इन दोनों को आपको एक जगह एडजस्ट करना है देन इसमें लगा के हल्का सा प्रेस करना है ये लॉक हो जाता है और ये रेड वाला जो बटन है इसको पुश करने के बाद ये खुल जाता है और यहाँ पर एक प्रेस बटन है और इस बटन को प्रेस करने के बाद आप जो ये हार्नेस है इसको आराम से बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो एंड इसको छोड़ने के बाद जो भी बेबी का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है बट आई थिंक अगर थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा होता और ये हेड एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे अच्छा सा कुशन दिया हुआ है बट अगर बेबी का हेड थोड़ा छोटा है तो आई थिंक उनके लिए ये थोड़ा कम पड़ जाता है मेरे के आंश के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है और उसका हेड कभी कभी इधर उधर होता रहता है तो इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ कि इसमें अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन होता तो ज़्यादा बेस्ट होता बट फिर भी ये अच्छा है अच्छी क्वेश्चनिंग है अच्छी पैडिंग है इसमें और जब बेबी टू ईयर्स का हो जाता है या फिर जो फिफ्टीन के के ऊपर के बेबीज हैं उन उनको बिठाने के लिए ये वाली क्वेश्चन निकालनी होती है उसके बाद उसको बिठाना होता है इस सीट पर सिर्फ और जब तक बेबी जो है वो टेन के का नहीं है या नाइन के जी टू टेन तो के का नहीं है तब तक आपको इसको व्यू में बिठाना है बेबी को सुलाना है मतलब रेयर व्यू करके और उसको स्लीपिंग पोजीशन में रखनी है और जब बेबी टेन के जी से ऊपर है तब आप उसको फ्रंट आ, आ, फ्रंट व्यू में रख सकते हो एंड उसको सिटिंग पोजीशन में रख सकते हो अगर बात करें इसके बेस की तो ये भी काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है कार सीट के साथ और काफ़ी अच्छे से स्टडी रहता है आई I मीन mean, स्थिर रहता है ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मैं इस कार सीट को ऑलमोस्ट सेवन मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये बेस्ट है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ये स्टोर से जाके लिया था खुद से सारी चीज़ें देख के फिर लिया था मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे बट मुझे जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे फर्स्ट क्राइक के स्टोर में मुझे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन लगा वो यही लगा था आर्फर हैबिट का जैक एंड जिल ग्रैंड कन्वर्टेबल कार सीट तो ऑल uh, कार सीट के बारे में इतना ही बिकॉज इतनी ही चीज़ें देखी जाती है इसमें और इतनी ही चीज़ें होती भी हैं और अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे में देखना चाहोगे तो ग्रैको के आते हैं कीको के आते हैं ये सारे थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बट उनमें थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं लाइक उनमें थोड़ा सा बेबी के बॉटल्स के लिए भी स्पेस होता है तो वो सारे फंक्शंस और फीचर्स थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं बट जो मेन चीज़ें होती हैं और जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक कार सीट का वो इतना ही होता है और इतनी ही चीज़ें होती हैं सो दैट्स ऑल्व फॉर टुडे आज के लिए इतना ही आ, इस कार सीट के बारे में मुझे आपको बताना था और आ, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अगर आप भी अपने बेबी के लिए कोई कार सीट ढूंढ रहे हैं इस रेंज में और इस आ, तरीके से ढूंढ रहे हैं यही सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आर फॉर एविड के कार, कार सीट के साथ जा सकते हैं इनके और भी ज़्यादा वराइटीज़ हैं और भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो जो कैटेगरी आपके बेबी के लिए बेस्ट सुटेबल हो आप वो जाके परचेज कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूंगी सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और टेल्स मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी है टेल्सऑफी मोम और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी सीव बाय टेक केयर